अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ खुश होंगे और आबाद भी होंगे। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30 और मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। हवा बहुत तेज़ है और कभी बादल आसमान में छा जाती है और कभी धूप निकलती है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, फैमिली में और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। देखिए कितनी तेज़ हवा है और हल्की हल्की बारिश भी है। तो हवा बहुत तेज़ है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और हम चलते हैं नीचे, हमें दूध बॉयल करना है। दूध बॉयल करके हम बच्चों को दे देंगे पीने के लिए और उसके बाद हमें बनाना है लंच। तो लंच में आज बनाना है मैगी। तो हम दूध को गैस पर चढ़ा दिए हैं और मैगी को पैकेट में ही तोड़ लेंगे। तो इसी तरह करते हुए सारे पैकेट को हम तोड़ लेंगे और खोल करके मैगी मसाला भी ऊपर से हम डाल लेंगे। पानी को गर्म करने के लिए हम गैस पर चढ़ा दिए हैं, तो पानी हमारी बॉयल हो गई है तो अब हम उसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैगी तैयार हो गई है और हम उसमें चाट मसाला हल्का सा डाल रहे हैं ऊपर से। तो अभी से हम लंच बॉक्स में रख दे रहे हैं। चाट मसाला रखने से है ना थोड़ा सा टेस्ट बदल जाती है। तो लंच दे दूंगी और फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद चलती हूँ काम की तरफ। तो पलवल को हम ऊपर से हल्की परत वाली छिलका उतार लिए हैं और दोनों तरफ से हल्का हल्का कट कर लिए हैं और इसे वाश कर लिए हैं अच्छे से। तो परवल का मुझे बनाना है भरवा और इसे हम एक स्पून के सहायता से बीज से कट लगाएंगे और जितने भी बीज है ना अंदर से उसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से सारे बीजों को हम निकाल देंगे और स्पून से है आसानी से निकल जाती है और नाइफ से जब निकालती हूँ तो उसकी नोक जो है ना उसमें अटक जाती है, कहीं कहीं लग जाती है, तो मुझे आसानी नहीं लगती, मुझे स्पून से ही आसानी लगती है। इसकी वजह से मैं कभी भी निकालती हूँ बीज तो स्पून से ही निकालती हूँ, वो कहीं अटकती नहीं है, आसानी से निकल जाती है सारी बीजें। तो परवल को बिल्कुल खोखला कर देंगे और इस बीज को हम प्याज के साथ स्टफिंग में रख देंगे। स्टफिंग बनाने में ये वाली बीज हमें काम आएगी। और इसके बाद हम प्याज कट करना है, तो प्याज कट करके और इस बीज को और सारे मसाले को प्रेशर कुकर में डाल करके नमक हल्दी मिर्च वगैरह सब डाल करके गला लेंगे और परवल को हम फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। इसे हम पहले धो लेते हैं, बाद में अगर धोएंगे तो इसके अंदर पानी चली जाएगी, तो फ्राई करने में पानी तेल में चली जाएगी तो बहुत छींटे उड़ेंगे। और सारे बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं इसीलिए शांति का माहौल बना हुआ है घर में।
तो चलिए हमारी सारी बीज निकल गई है, अब बस ये लास्ट वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो कुकर में हम सारे मसाले को गला लिए हैं, इधर देखिए, और इधर कढ़ाई में हम प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। तो जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम प्रेशर कुकर में जो मसाला गला लिए हैं उसे हम इसमें पलट देंगे। तो प्याज को हम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का ही ब्राउन करेंगे। तो देखिए अब हम पलट दे रहे हैं सारे मसाले को इसमें। तो इसके देखिए मसाला हमारी भुन गई है, तब स्टफिंग तैयार हो गई है और हल्की ठंडी भी हो गई है। तो इधर हम परवल को अच्छे से फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके रखे हैं। तो उसमें हम एक स्पून के सहायता से सारे परवल में हम इस स्टफिंग को डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हम सारे परवल में एक स्पून की हेल्प से हम उसमें डालते जाएंगे। और इधर प्रेशर कुकर रखे हैं, उसमें हम रखते जाएंगे। और चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं पानी गर्म होने के लिए, तो इसमें हम गुनगुना पानी ही डालेंगे। तो देखिए इसी तरह से करते हुए हम सारे परवल में स्टफिंग को डालते जाएंगे। तो परवल की ये वाली रेसिपी खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ग्रेवी को हम ज़्यादा थिन नहीं रखेंगे, सूखा ही रखेंगे। चलिए अब हम कुकर को रख देते हैं गैस पर गलने के लिए। शाम के बज रहे हैं अभी 4 और मौसम देख रहे हैं बहुत ख़राब हो चुका है। ऐसे तो मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो बहुत अच्छा मौसम है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, देख सकते हैं बहुत तेज़ हवा है। आज सारा दिन इसी तरह हवा चलती रही है। अब वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली में और फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ।